अगर आप लास्ट क्लास ना भी किए हो तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो वही चीज आज आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर को हम जोड़ते कैसे, हम सब जानते हैं जैसे टेंथ क्लास में रजिस्टर का सिंबल आप ऐसे बनाते थे, उसी तरह से कैपेसिटर का सिंबल आप या तो दो पैरेलल लाइन बनाओगे तो ये भी कैपेसिटर कहलाएगा, या तो कैपेसिटर का सिंबल आप इस तरह से भी बना सकते हैं, एक पैरेलल लाइन और एक कर्वियस लाइन, ये भी एक कैपेसिटर या को रिप्रेजेंट करता है। दो प्लेट्स हैं इसमें, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस को हम सी से लिख रहे हैं। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट अपने मन में बोले, बिल्कुल सही, फराड होता है कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट, फराड एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए ज्यादातर आपको वैल्यूज माइक्रो फराड में भी दिख जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता था, ठीक उसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी होता है। ये दो तरह का होता है, नंबर वन आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और नंबर दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पिछले दिन हमने बात की थी किसके बारे में, अगर आपको याद होगा पिछला क्लास हमने बात किया सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। एक छोटा सा रिकैप, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर इस तरह से जोड़े जाए किसी बैटरी के थ्रू कि उन सारे कैपेसिटर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो, जो चार्ज यहाँ जाएगा, चार्ज को आप करंट की तरह समझ सकते हैं, तो जितना करंट यहाँ जाता है यानी प्लस क्यू माइनस क्यू, अगला में फिर से प्लस क्यू माइनस क्यू, अगेन प्लस क्यू और माइनस क्यू, हर प्लेट में चार्ज का मैग्नीट्यूड देखा जाए यानी क्यू, तो सेम है लेकिन ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस वी है। अब इस कैपेसिटर के अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इस कैपेसिटर के अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस वी वन, तो इसके अगल बगल का वी टू, तो इसके अगल बगल का वी थ्री। पोटेंशियल डिफरेंस बट जाता है लेकिन चार्ज अगर सेम रहता है, तीन कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस को हम सी वन कहते हैं, इसका कैपेसिटेंस को सी टू कहते हैं, इसका कैपेसिटेंस को सी थ्री कहते हैं, तीनों कैपेसिटर का अपना अपना कैपेसिटेंस है। हम चाहते हैं कि ये तीनों कैपेसिटर को हटा के सिर्फ एक कैपेसिटर अगर लगाना चाहें तो भाई उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को हम सी इक्विवेलेंट कह दे, सी इक्विवेलेंट, और एक बैटरी अगर हम यहाँ पर लगा दें जिसका वोल्टेज वी है और वो वही चार्ज ओवरऑल देगा जो ये तीनों मिलकर लेता था, यानी ये तीनों मिलकर जितना चार्ज आपसे कंज्यूम करेगा आपकी बैटरी से, ये अकेला उतना कंज्यूम करे, तो फॉर्मूला होता था 1/C equivalent = 1/C1 + 1/C2, ये हम प्रूफ किए थे 1/C3। तो वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें चार्ज तो हर कैपेसिटर पे सेम रहे लेकिन हर कैपेसिटर के अगल बगल यानी कि क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी वन वी टू वी थ्री जोड़ के भी कहीं बराबर होगा, तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें चार्ज भले सेम रहे लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाए तो वैसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और उसमें फॉर्मूला होता है 1/C equivalent, यानी इन तीनों को हटा के अगर एक लगाना है तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये 10th क्लास के रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला से रिजेंबल करता है। 10th क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था 1/R equivalent 1/R1 1/R2 1/R3। 10th क्लास पास हुए हैं आप लोग, तो एग्जाम देखे इस साल वाला गड़ रहा हुआ है, आप लोग तो एग्जाम देके पास हुए हैं। एक मिनट आपको हम रोकेंगे, बस एक सेकेंड, एक सेकेंड। उम्मीद है आप सब अपना अपना भेज चुके हैं और मैसेज, हमें एक मिनट के लिए आपको रोके थे, एक जरूरी मैसेज आ गया था तो वो हमको करना पड़ा, ठीक है, इसलिए आपको हम रोके थे। आप उस बीच में अपना मैसेज व्हाट्सएप कर सकते थे हमको, जो आपने कर भी दिया। स्क्रीन पे ये चमक भी गया, लाइट बंद कर दिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसका स्पेशल केस भी बताए थे दो कैपेसिटर के लिए कि कैसे दो कैपेसिटर केस में पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या होता है, वो आप लास्ट क्लास की वीडियोस को देख लीजिएगा, आज अपलोड कर देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग पैरेलल, ये फॉर्मूला याद हो गया सीरीज का, इसको आप ना भूले, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, प्लीज ये हम लास्ट क्लास लिखवाए थे इसलिए इसको लिखने के लिए आपको समय नहीं दिए, लास्ट क्लास पे ना किए हो तो जगह छोड़ेंगे, या जैसे भी नोट्स हम भेज दिए थे, दीक्षा का नोट्स बड़ा साफ सुथरा सुंदर नोट्स था, वो हम भेजे थे आप लोग को, हमको बड़ा अच्छा लगा उसका नोट्स, तो आप लोग देखिए उस नोट्स को कैसा है, वो नोट है वो उसमें आप चेक कीजिए कितने अच्छे से बना हुआ है, कुछ छूटा हुआ है तो आप हमको उसको बताइए, साफ सुथरा नोट्स था वो, बड़ा अच्छा नोट्स था, देखिए रेगुलर क्लास कीजिएगा तो आपका भी नोट्स अच्छा बनेगा। सेकेंड वन इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि दो पॉइंट को अगर हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो इसका पोटेंशियल अगर V है तो इसका पोटेंशियल भी V होगा, अगर ये 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट है, अगर यही वायर यहाँ गया यही वायर यहाँ गया तो यहाँ भी V यहाँ भी V,
जब तक वायर में कोई रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर या कुछ और आके नहीं अटैच होता है, तब तक जब तक एक वायर जहां तक गया है तब तक उसका पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल क्या होता है वहां तक? सेम। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं उस बारे में हम लोग बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से अधिक कैपेसिटर को इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, भले चार्ज बदल जाए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे उसके अक्रॉस का, तो ये वैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक मिनट, पूरा इंक भी आप खत्म हो गया था इसका, इसलिए हम रुक गए। ये देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, बीती बात है 10th क्लास का। आप ऐसा डायग्राम बनाते थे, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और ये तीसरा रजिस्टर R1, R2 और R3, और यहाँ पे आप बैटरी बनाते थे जिसका वोल्टेज आप लिखते थे V, टोटल वोल्टेज लिखते थे V। आपको हम एक हिंट समझा दे आज के बाद, कभी भी आपको अगर टोटल वोल्टेज V है, यानी ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव साइड का वोल्टेज V समझिए, नेगेटिव साइड का वोल्टेज 0, ताकि V माइनस 0 हम पोटेंशियल डिफरेंस V बोल सके। ये ट्रिक है, एक पॉजिटिव को V, नेगेटिव को 0, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए V। खैर, जब यहाँ से करंट सप्लाई होता था 10th क्लास, तो आप बोलते थे करंट तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, I1, I2 और I3, और ये फिर वापस में तीनों मिलके I बन जाएगा। करंट तीनों में बट गया, लेकिन सीरीज में आपको याद होगा 10th क्लास, सीरीज में आप बोलते थे कि बैटरी से अगर करंट निकला है I, तो यही करंट इसमें गया I, यही करंट इसमें गया I, तीनों में करंट सेम, यानी सीरीज में करंट सेम जाता है लेकिन पैरेलल में करंट बढ़ जाता था। हाँ, सीरीज में टोटल वोल्टेज V तीन हिस्सों में बढ़ता था, इसके अगल बगल V1, इसके अगल बगल V2, इसके अगल बगल V3। लेकिन यहाँ गौर करो, ये इसका वोल्टेज यहाँ पे V है, तो यही वायर यहाँ गया, तो यहाँ पे वोल्टेज V, ये 0 है, यही वायर यहाँ गया, यहाँ पे वोल्टेज 0, देख रहे हैं, बहुत इजी सिंपल। यहाँ पे वोल्टेज V, यहाँ पे वोल्टेज 0, मतलब इस वाला तार का कनेक्शन, इसके अगल यहाँ पे ये तार है, यहाँ पे वोल्टेज V, यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे वोल्टेज V, तो इसके अगल बगल पोटेंशियल डिफरेंस V-0, इसके अगल बगल V-0 मतलब V, और इसके अगल बगल भी V-0। कहने का मतलब ये कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन आपका करंट है सो बढ़ जाता था, इसमें आप बोले थे, किसमें? 10th क्लास के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो। उसी तरह से ये रहा आपका, ये देखो हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इतना मैसेज आ रहा है, क्या बात है, टन 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 बज रहा है मैसेज, दो फोन है ना, तो दूसरे फोन का मैसेज हम साइलेंट नहीं रखे, वही टन टन बज रहा है, आपके मैसेजेस नहीं है, आपने अटेंडेंस भेजा वो साइलेंट नहीं चला गया। तीन कैपेसिटर दिख रहा है आपको, C1, C2, C3, हम किनारे लिख रहे हैं, क्या मतलब नहीं कि इस प्लेट का ओवरऑल कैपेसिटेंस लिख रहे हैं, C1, C2 एंड C3। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, यानी कि V-0, इसका भी V-0, इसका भी V, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, समझाया ना, क्योंकि तीनों पैरेलल है। अब इसके पास अगर टोटल चार्ज Q भेजते हैं, तो यहाँ पे अगर Q1 गया है प्लस Q1, तो यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2, तो यहाँ पे माइनस Q2, यहाँ प्लस Q3, तो यहाँ पे माइनस Q3। टोटल चार्ज तीन हिस्सों में बट गया, जैसे करंट जाता था तो तीन हिस्सों में बटता था ना, चार्ज भी तीन हिस्सों में बटेगा। हम चाहते हैं इन सबको हटा के सिर्फ एक कैपेसिटर लगाएं, इस तरह से एक कैपेसिटर लगाएं कि वो अकेला उस बैटरी से टोटल चार्ज उतना ही खींचे, मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज क्यू खींचे जितने इतने मिल के खींचता था, तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी हम डेफिनेशन लिखवाएंगे, वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज तो बदल जाए लेकिन उसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए टोटल चार्ज Q तीन हिस्सों में बटा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दिख रहा है ये Q है भाई, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आप गौर कीजिए, Q1 मेरा बहुत अजीब दिख रहा है, इसको हटा देते हैं पहले, तब आपको गौर करूंगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अब यहाँ देखो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इनटू में V, Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, C इनटू V होता है ना, इसके लिए लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, बैटरी वही है, भी मतलब इधर का भी इधर का जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस इज V। यहाँ पे Q1 कितना लिखेंगे, C1 इंटू V, V क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी V है। Q2 कितना लिखेंगे, C2 इंटू V, Q3 कितना लिखेंगे, C3 इंटू V,
और क्यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। देखिए वी 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 और वी कैंसिल, सी इक्विवेलेंट पैरेलल का केस में क्या फॉर्मूला हुआ, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो पैरेलल में आपका भले आप 10th क्लास में रजिस्टर में फॉर्मूला दूसरा पढ़े थे, इसका पैरेलल का फॉर्मूला वही है जो आपने 10th में सीरीज का पढ़ा था। सी पैरेलल का फॉर्मूला सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। डेफिनेशन डालेंगे मेरे साथ, हेडिंग डालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज की पढ़ाई समझ लीजिए यहीं से है, पिछला तो आपको हम रिविजन डाल रहे थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन इन विच, एक बार ध्यान रखिएगा सब लोग, एक बार फिर से सुनिए जो भी अभी आए, जब भी कहीं पर भी बैटरी हो तो पॉजिटिव साइड को भी मान लिया, निगेटिव साइड को जीरो, ताकि आप बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी माइनस जीरो भी बोल सको। अब जहां तक ये तार जाएगा, बीच में कोई कट या बीच में कोई रेजिस्टेंस या बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, वहां तक पोटेंशियल इसका भी, और यहाँ जीरो है ना पोटेंशियल माने हुए, तो जहां तक ये जाएगा वहां तक वोल्टेज जीरो। जैसे यही तार यहां भी गया तो यहां भी वोल्टेज भी, यही वायर यहां गया तो यहां जीरो, यही वायर इधर कट के आया जीरो, बीच में कोई कैपेसिटर भी नहीं आया, यही तार इधर भी आया तो यहाँ वोल्टेज भी। मतलब एक तार जहां तक जाता है हर जगह पोटेंशियल सेम करता है, ध्यान रखिएगा, जितना हिस्सा में टूटे बीच में कोई रेजिस्टेंस या कोई कैपेसिटेंस नहीं आना चाहिए। तो आपने जब प्लेन वायर बनाया है तो इस वायर में आप कोई रेजिस्टेंस नहीं मान रहे, आपके मन में ख्याल आ सकता है कि बिना वायर का रेजिस्टेंस कैसे हो गया, हमने यहाँ कंसिडर किया, अगर रहेगा तो उसको भी यूज करेंगे, अभी आपको बिना रेजिस्टेंस का सिखाया जा रहा है, ठीक है, इतना समझ में आता है। बाद में वही सर्किट बनता है, LR सर्किट, LCR सर्किट, CR सर्किट, ऐसा बहुत सारा कुछ बनता है। चलिए लिखिएगा, और आपको भी हम अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देंगे, आपको कोई डाउट बोलना हो तो बोलिएगा, पहले थोड़ा लिख लीजिए उसके बाद। द कॉम्बिनेशन इन विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, द कॉम्बिनेशन इन विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम, द कॉम्बिनेशन इन विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम, आपका अटेंडेंसी देख रहे हैं, अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम कॉमा, चार्जेज अपीयरिंग ऑन देम मे डिफर, चार्जेज अपीयरिंग ऑन देम मे डिफर, charges appearing on them may differ. The combination in which potential difference on each capacitor remains same, comma, charges appearing on them may differ. Charges appearing on them may differ. It's called parallel combination. It's called कौन सा combination? Parallel combination. छोटा सा ये diagram और ये जरूर निकाले, जैक बोर्ड में शो करने भी देता है तो आप अच्छे शो कर सकते हैं, उसमें लैंग्वेज दे सकते हैं, लेटस कंसिडर थ्री कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2, C3 एंड चार्जेस अपीयरिंग ऑन देम Q1, Q2, Q3, ऐसा कुछ भी फेंक सकते हैं, वैसे अभी इतना बचकाना सवाल तो नहीं देता है फिर भी। मान्या दो दो बार अटेंडेंस दे दी क्या? ओ मंडे का अटेंडेंस था, आज का अटेंडेंस दे के फिर क्यों डिलीट क्यों करना है, बस कुछ भी लिख देना है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? अब जितने लोग जुड़े, मान लो कोई गलती से कुछ नहीं सुन पाया, नहीं समझ पाया, तो उनके लिए हम दोबारा एक अच्छा सा ट्रिक बताने जाएंगे, लेकिन पहले इसका स्पेशल केस कर लेंगे उसके बाद। अभी अभी एक मीटिंग ध्यान सुनिएगा, आपको हम एक ट्रिक सिखाएंगे जिससे ये चैप्टर भी आप सीख जाएगा और अगला चैप्टर भी, सीरीज और पैरेलल का सवाल बनाने का ट्रिक सिखाने वाले हैं, इसलिए प्लीज मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा आप ही को, फिर आगे दिक्कत होगा बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम नजदीक ही है, ज्यादातर लोग सीबीएसई का बोर्ड है, तो जैक बोर्ड भी इस बार ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ने वाली है और उस समय ये कई सवालों को पूछेगा आपसे कॉन्सेप्चुअली। पहले था कि बच्चे नहीं भी पढ़ाई करते थे ना, तो एग्जाम से रट्टा मार के निकल जाते थे, ऑब्जेक्टिव में रट्टा काम नहीं करता, उसमें कॉन्सेप्ट ही काम करता है, प्रॉब्लम ये है, तो आपको इसलिए और मेहनत करना पड़ेगा तो फंसिएगा आप, कम से कम सुनिएगा तो कई चीज क्लियर हो जाएगा। इसको हम मिटाने जा रहे हैं, किसी को रोकने की इच्छा है तो हैंड रेज कर देंगे, हम फोटो वैसे भेज दिए हैं ग्रुप में, हम रुके हुए हैं, ठीक है, दो लोगों की ऐसी इच्छा हुई, तीन लोगों की, दो लोगों की, तो हम रुक गए। साथ में नोट्स बनाइए, देखिए आपको हम दीक्षा का नोट्स भेजे, कितना अच्छा नोट्स बनाइए, सबको मिल गया। मेगा कुछ पूछना है क्या? हम आप सबको अनम्यूट भी कर दिए हैं, वैसे आप जब चाहें अपने आप से कुछ भी पूछ सकते हैं,
कोई भी आप लोग अनम्यूट कर चुके हैं। चेक करने मत बैठ जाना कि अनम्यूट किए कि नहीं, हल्ला होता है। हो गया डन। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, म्यूट किए खुद को? नहीं, ठीक है। अभी भी कोई रोकना चाह रहे हैं? नहीं ना। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, नीचे लिखिएगा स्पेशल के और मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं अदरवाइज, लेकिन हम साथ लिखने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि उससे आप समझ नहीं पाते, तो प्लीज आप साथ न लिखे, आप सुने, उसके बाद तो हम समय देते ही है आपको लिखने का। स्पेशल केस ये बिल्कुल हम लोग बस ऑनलाइन करने के लिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लाइव क्लास वाला ही फील आए इसमें, ठीक है। स्पेशल केस क्या होता है, यानी कि हम जब भी स्पेशल केस बोलते हैं दो कैपेसिटर के लिए हम बता रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास ये दो कैपेसिटर है और दोनों पैरेलल में है, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, इसका टोटल वोल्टेज V है, यानी कि इसके अगल बगल भी V, इसके अगल बगल भी, इसमें Q1 है चार्ज और इसमें Q2 चार्ज है। टोटल चार्ज Q जो है वो दो चार्ज के इक्वल है, Q1 प्लस Q2, ये दो इससे बटा है। आप ये बताइए Q1 कितना होगा, कैपेसिटेंस दोनों का आपको पता है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं कि एक फॉर्मूला तो आपको याद हो गया हो, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, इक्वेशन वन। इक्वेशन टू साफ साफ देखिए, Q1 और Q2 को अगर आपस में हम डिवाइड करते हैं, वन डिवाइडेड बाई टू करते हैं, तो बताइए Q1 by Q2 V भी कट जाएगा C1 by C2, दोनों का वोल्टेज हमने सेम क्यों रखा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। याद करने की कोशिश कीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 by V2 is equal to C2 by C1 आया था, लेकिन यहाँ Q1 by Q2 is equal to C1 by C2 आया, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज उसी रेशियो में बटता है जिस रेशियो में कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस का जो रेशियो होगा वही चार्ज का रेशियो होगा। अब यहाँ सुनो, यहाँ से Q1 is equal to कितना आएगा, C1 by C2 into में Q2, ये आपको Q1 का वैल्यू आ गया, इक्वेशन नंबर तीन था, इक्वेशन नंबर चार। तो सिंस टोटल चार्ज Q दो हिस्सों से मिलके बना है, Q1 प्लस Q2 मिलके Q के इक्वल है, Q1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, C1 by C2 into में Q2 प्लस में Q2 is equal to Q, इससे आप अगर Q2 कॉमन निकालते हो तो LCM हो जाएगा C2, ऊपर जाएगा C1 प्लस C2 is equal to Q। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, Q2 का फॉर्मूला C2 by C1 plus C2 into total charge Q, यानी अगर आपको टोटल चार्ज पता है, सिर्फ कैपेसिटेंस पता है, तो आप बता सकते हैं कि अगर ये दो कैपेसिटर को हम अगर पैरेलल लगाएंगे तो दोनों में कितना चार्ज जाएगा। जैसे Q2 निकला है उसी तरह से Q1 कितना होगा, सिमिलरली Q1 कितना होगा, जब Q2 था तो ऊपर में C2 था, Q1 होगा तो ऊपर में C1 by C1 plus C2 into में Q। देख लीजिए आराम से लिखिए, और जो भी कुछ पूछना हो अपने आपको अनम्यूट करके धीरे धीरे पूछिए, हम यहीं पे हैं बगल में। आज अगला मीटिंग जो होगा ना, उस मीटिंग में भी आपको अटेंडेंस देना होगा, ठीक है, अभी ही मत दे दीजिएगा, उस मीटिंग में जाके दीजिएगा, ठीक है, तो लोग अटेंडेंस करते नहीं, वो पता नहीं चलता कौन नहीं किया। लेकिन फोटो भी भेज दिए, कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें कि जब तक वायर, एक वायर जहां तक जाए कैसे जाए, बीच में अगर कैपेसिटर या रेजिस्टेंस नहीं है, वायर कैसे भी जाए, उस वायर से कुछ निकले कितना भी से रूट निकल जाए, सब जगह वोल्टेज यानी पोटेंशियल सेम होता है। हम फोटो जरूर भेज रहे हैं आपको, फिर भी आप लिखेंगे जरूर। चलिए, अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो उनको उनके क्लास टेंथ के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं। वह बस एक बार ये बता देना कि पोटेंशियल सेम क्यों रहता है
और सीरीज में मतलब कि पोटेंशियल सोलर क्यों लगाना सेम रहता है, चार्ज। जब तक आप एक प्लेन वायर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कनेक्ट करते हो, तो बताया था ना कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर तब तक फ्लो करता है जब तक ये दोनों का चार्ज बैलेंस पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर आप इस वायर को जहां जहां कनेक्ट कीजिएगा वहां वही सिस्टम लागू होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हर जगह पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा। क्योंकि ये तो आप स्टडी केस की बात कर रहे हैं, कुछ समय के बाद की बात कर रहे हैं, तो हमेशा जहां तक प्लेन वायर है पोटेंशियल सेम ही कैरी करेगा, सेम ही तो जाएगा। सीरीज में भी तो वही क्योंकि वायर रहता है ना। बीच में सीरीज में कहाँ गए, कहाँ लिखते हैं, सीरीज में बीच में कैपेसिटर आ गया ना, तार यहाँ से ऐसे गायब हो गया, बीच में कैपेसिटर आ गया तो वोल्टेज नहीं बदल जाएगा। हम भी तो यहाँ तक बोले कि वोल्टेज सेम है, यहाँ तक सेम है, यहाँ का बात तो बदल गया था, जीरो हो गया था, कुछ हो गया। बीच में जब तक कुछ ना आया, जब तक प्लेन वायर है हर जगह वोल्टेज सेम है, ये बोले आ रहे हैं, ये समझना आया, फिर बोले। हाँ आ गया आ गया, चलिए लिख रहे थे तो मैं नहीं कर पाया था। ओके, चाय नाश्ता कर रहा आया है तो उसको, अरे बाप रे। चलिए तो इतना आप समझ गए, उम्मीद है किसी को क्या रोकना भैया था कुछ। C1+C2/C2 लिखा पड़ा है, उसे आपने चेंज करके नीचे C2/C1+C2 कैसे किया? ये वाला या ये वाला इसके बाद ये कैसे किए हैं, नीचे इसके बाद ये ये वाला वाला, ये जाके उधर मल्टीप्लाई हुआ क्यू के साथ तो C2 ऊपर चला गया और C1+C2 नीचे आ गया, Q2 वही रह गया। उसके नीचे वाले स्टेप में C1+C2 नीचे कैसे आ गया डिनोमिनेटर में? क्योंकि ये इक्वल टू के बाद गया तो वो ये डिवाइड में हो जाएगा ना, क्योंकि अच्छा हाँ वो इक्वल। हाँ ठीक है दिखा ये स्टेशन में दिखा। है ना कॉमन निकाले थे Q2, C1/C2 हाँ प्लस हाँ वन हाँ होता उसको हम डायरेक्ट लिख दिए, इस स्टेप का एक स्टेप उड़ा दिए हैं भाई। सब लोग अपना फी प्लीज समय पे पे करेंगे, सबका मिनिमम 50% फी हो पे फी पे होना ही चाहिए, मतलब कि 4500 अगर आपसे फिजिक्स पढ़ते हैं तो, मैथ भी पढ़ते हैं तो आप उसका 50% आप जानते ही हैं, हम अपने फिजिक्स की बात करें इसीलिए। तो प्लीज सब उतना जरूर कंप्लीट कर लेंगे, और हमको आज रात तक में आप एक बार अपना वही जो अटेंडेंस जैसे भेजते हैं रात में, अभी मत भेजिएगा, कितना पेमेंट आपने किया बस वो लिख दीजिएगा, बस वो पेमेंट सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ जो आपका टोटल पेमेंट है वो लिखिएगा, टोटल पेमेंट अगर मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं तो दोनों पेमेंट मिला के लिखिए और सब्जेक्ट के साथ, ध्यान रखिएगा आज रात तक, भैया ठीक है। इक्वेशन 4 के बाद क्या किए भैया? आयत आयत इक्वेशन 4 के बाद, हाँ यहाँ के बाद आयत देखो, अभी यहाँ पे हमने क्या किया Q1 को Q2 के टर्म में लिखा, ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि Q1 Q2 मिला के टोटल चार्ज Q है, तो इसको हम फिर से यहाँ से लिखा, सिंस Q1 Q2 मिला के टोटल चार्ज Q है तो Q के टर्म में Q1 का वैल्यू कितना होगा, Q2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो Q1 का वैल्यू हम Q2 के टर्म में डाल दिए यहाँ पे, सोल्व किए, देख लो। अभी मत भेजिए, जिन्होंने भी पेमेंट किया है प्लीज अभी मत भेजिए, अभी नहीं रात में कीजिएगा। सबसे पहले मिश्रा जी लिख दिए 16,000 मैथ के लिए, इनका 2,000 बचा हुआ है ना इसलिए खुश है, कुछ लोगों ने कंप्लीट भी कर दिया है पूरा 18 जो जिन्हें पढ़ते हैं, तो वो चिंता ना करें हम भागेंगे नहीं, डर जाता है नहीं लोग, ठीक है, और कुछ लोग शुरू भी नहीं किए हैं उनको हम धीरे टोकेंगे, अब हर दिन तो हम पूछते ही हैं पर्सनली आपसे, लेकिन आप समय लेते हैं, लेट होता है तभी हम आपको टोकते हैं, ये हम मिटाने जा रहे हैं, किसी को रोकना है तो 100 कर देंगे, किसी को रोकना है तो 100 कर देंगे, 2,000 डिस्काउंट, ये शर्म नहीं होता है कि भैया लोगों का कष्ट 2,000 बढ़ा के दे दे, 20 कर ले, 2,000 डिस्काउंट, थोड़ा भी शर्म नहीं है अनुराग मिश्रा तुमको, पेट्रोल पंप को देखो इतना पैसा है, हुआ कि भैया हम 40,000 देंगे 18 नहीं, अगर दोनों से पढ़ता है तो, ऐसा हुआ नहीं, जितना पैसा वाला पार्टी है सब मेरा कंजूसे है हमको मिला है, खैर कोई बात नहीं, पैसा किसी को काटा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बहुत ध्यान से है ना, बहुत जरूरी बात, उस बात को अगर आप सुन लिए तो जीवन में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में पहचान यही है सीरीज का, गलत स्पेलिंग है सुना जाइएगा, सीरीज का पहचान यही है, गलत स्पेलिंग है उसको मत देख लेना भैया, लिख दिए थे तो फिर नहीं मिटा रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान यही है कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सब में सेम चार्ज जाएगा, पोटेंशियल बदल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज लिखते हैं V1 एक बात कहते हैं, तो ये बीच में कैपेसिटर आया तो यहाँ अपने आप वोल्टेज जाएगा V2, फिर बीच में नया कैपेसिटर आ गया तो यहाँ वोल्टेज जाएगा V3, और जैसे ये कैपेसिटर यहाँ वोल्टेज जाएगा V4, मान लो बैटरी में लगा है समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 -V2,
इसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी टू माइनस वी थ्री, और इसके अगल बगल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी थ्री माइनस वी फोर, तीनों सेम नहीं है तो ये सीरीज है। तो सीरीज में तीनों पार्ट है, इसे कह सकते हैं सी वन सी टू और सी थ्री। तो सीरीज का फॉर्मूला 1/C equivalent 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, बस ये याद रखना है, याद रहेगा सीरीज का फॉर्मूला मेरे साथ बोलिए 1/C equivalent 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। पैरेलल का फॉर्मूला जैसे ये देखो, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीन है, इसमें चार्ज बट जाएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। कैसे पहचानेंगे, देखो अगर यहाँ पे वोल्टेज हम V1 लिखते हैं, कैपेसिटर आया इधर जाते ही वोल्टेज यहाँ कितना आ जाएगा V2, बदल दिए, लेकिन यही तार यहाँ आया है ये, यानी इस पूरे वायर में हर जगह V1 है और ये तार यहाँ गया, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, यही तार इधर भी गया है तो यहाँ पे वोल्टेज V2 है, यहाँ पे वोल्टेज V1 है। गौर कर रहे हैं इधर का सेम किया लेकिन बदलने का बदल रहा है। तो इस कैपेसिटर का अगल बगल V1 - V2, इसमें भी V1 - V2, इसमें भी V1 - V2। तो पैरेलल का फॉर्मूला होगा C equivalent C1 + C2 + C3, बस ये याद है तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, जब भी आपको बोलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने तो बताएगा किन दो पॉइंट के बीच में, जो दो पॉइंट का नाम लेता है उसी के बीच में बैटरी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बैटरी। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो हम 10th लेवल का आपको दे रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा, इसके बाद सेकंड मीटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि पहला मीटिंग तो मसाला पे आया। सर वापस रिपीट कीजिएगा, सर वापस रिपीट कीजिएगा, ये वाला दोबारा बोले, बैटरी 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 वाला सर, बैटरी वाला, हाँ वो हम रिपीट करना ही जा रहे हैं, फिर से बताएंगे। हम ये बोले हैं सवाल जैसे क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला वो हम रिपीट कर रहे हैं, फिर हम उसी में कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये जरूर लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, किसने दिख रहा होगा ना, जैसे मान लीजिए ये हम सवाल बना रहे हैं, यहाँ एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, पैरेलल लाइन से तो कैपेसिटर है, जगह पैरेलल लाइन, चौथा कैपेसिटर और ये पांच कैपेसिटर, मान लो हर कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी 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 एंड सी है, यानी हर कैपेसिटर कैपेसिटेंस सेम है, गिवन सी इज इक्वल टू 2 μF ऐसा दिया हुआ है, हम सी लिखे, हर कैपेसिटर कैपेसिटेंस सेम है, और ये भी एक सवाल है, इसमें भी पांच कैपेसिटर है, गौर करिएगा, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो देखो पॉइंट हम बना रहे हैं, यहाँ पॉइंट ए एंड ये पॉइंट है बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ध्यान रखिएगा, देख रहे हैं, और यहाँ पॉइंट है ये ए और ये है बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो देखो ए और बी का मतलब होता है कि ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट है, यानी चार्ज ए से एंट्री करेगा और बी में जाएगा, बी से निकलेगा, यहाँ चार्ज ए से एंट्री करेगा तो बी से निकलेगा, या बी से एंट्री करेगा से निकलेगा, मतलब ये होता है, हम एरो बना रहे हैं ताकि आप टेंथ से इसको रिसेंबल कर सके, एरो नहीं बनाया जाता, चार्ज है यहाँ पे, बैटरी लगेगा ए और बी के बीच। तो गौर कीजिए, जब आप इसे करंट के रूप में समझते हैं तो मान लो यहाँ से 100 रुपए यहाँ एंट्री किया, एक नाली है, नाली का पानी जा रहा है, मान लो यहाँ के घर में पानी ऐसे लिया, तो यहाँ पानी कितने हिस्सों में बटेगा समझने के लिए बता रहे हैं, उधर कुछ गया मान लो उधर 60 गया तो 40 जाएगा, कितना गया हमको नहीं पता है, हो सकता है इधर 20 जाए तो इधर 80 जाएगा, लेकिन ये बटा बटेगा ना, यहाँ पे मान लो इधर चला गया 30 तो इधर चला गया 70, एक बात कहते हैं ये 30-70 मिलकर 100 होता है, तो 100 आया तो 2 हिस्सों में बटेगा, यही 30 इसमें जाएगा, यही 30 इसमें जाएगा और यहाँ आएगा, यही 70 इसमें जाएगा, यही 70 इसमें जाएगा, इसमें वही 70 जाएगा और यहाँ आएगा, 30-70 मिलकर फिर से वापस कितना निकल जाएगा, 100, समझने के लिए बोले। लेकिन अगर हम साइंस की भाषा में बोले इसको तो आप साइंस की भाषा में क्या कहोगे, आप कहोगे ए और बी के बीच में बोला है, यानी कि चार्ज ए से आएगा और कहाँ से निकलेगा, अगर बी से, तो जितना चार्ज, ये मेरा मीटिंग एंड हो जाएगा तो आप नया मीटिंग ज्वाइन करोगे सेम आईडी पासवर्ड से, इस दोनों में सेम चार्ज जाएगा और इस तीनों में सेम चार्ज जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन और ये तीनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी ऐसे ये दो आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन और उसके नीचे ये तीन आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सी 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 सी, क्योंकि ए और बी ऐसा है, इसी चीज को मैं ऐसे बना है, लेकिन वही अगर नीचे वाला देखते तो उसमें ये अकेला है यहाँ पे जाएगा, तो ये अकेला और ये 1 2 3 4 इधर दो भाग में बटेगा, 1 2 3 4, इन चारों में एक ही जाएगा चार्ज और इसमें अलग चार्ज जाएगा इसमें, तो यानी कहने का मतलब इसका डायग्राम हम देखेंगे तो ऊपर में एक और नीचे में 1 2 3 4 ऐसा कुछ बनेगा,
पॉइंट का नाम ए और पॉइंट का नाम बी, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c सीरीज का फॉर्मूला 1/c1 प्लस 1/c2 2/c, तो उलट देंगे, उलटेंगे ना भाई, ये तो 1/c सीरीज आया, उलट देंगे तो c/2 आया, कहने का मतलब ये दोनों मिलके एक बन गया जिसका वैल्यू हो गया c/2। ठीक उसी तरह से ये तीनों मिलके कितना बन जाएगा जरा बताओ, c/3। कैसे जाने हम, क्योंकि उसके लिए 1/c सीरीज 3 है ना, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c 3/c, उलट देंगे, उल्टा करना पड़ेगा c/3, क्यों उल्टा करना पड़ेगा, फॉर्मूला में 1/, अब ये दोनों कौन कॉम्बिनेशन में है, साफ दिख रहा है पैरेलल में, कैसे पैरेलल में, एक साइड का पुश दोनों का सेम है, अगर यहाँ v1 नाम देंगे तो यहाँ भी v1, यहाँ v2 नाम देंगे तो यहाँ v2, अब ये पैरेलल में है, तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट पैरेलल होता है c1 प्लस c2, एक है c/2 और एक है c/3, तो आंसर हो जाएगा 5c/6, शायद वही होगा। तो आप गौर कर रहे हैं इसका आंसर कुछ और, लेकिन वही बी पॉइंट को घटा के यहाँ ले आता है, आंसर कुछ और हो जाएगा। अब ये चारों सीरीज में ये अकेला c/4 और c का पैरेलल कर देंगे, अगला मीटिंग में जुड़िए ताकि इसको हम कंटिन्यू कर सके नेक्स्ट मीटिंग।